हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खावड़ खंडी में। आज हम सबसे पहले लेंगे गेहूं का आटा एक कटोरी, और उसके बाद लेंगे बाजरे का आटा एक कटोरी। मतलब जितना गेहूं का आटा था उतना ही बाजरे का आटा, दोनों आटे लेंगे। और हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी से ढोकले। इसमें मिलाएंगे हम लोग हरा धनिया और जीरा, इसके साथ नमक। अब इस आटे को बिल्कुल ही नॉर्मल गूंथ लेंगे, जैसा हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए। बहुत ही सिंपल सी विधि है ढोकला बनाने की, सिर्फ पानी और आटे के साथ बनाएंगे हम लोग। जैसे दाल ढोकली बनाते हैं वैसे ही इसकी लेई बनाकर उसे शेप दे देना है हमें। लेकिन दाल ढोकली में हम ढोकली छोटी सी बनाते हैं, इसमें ये बड़े बनाएंगे। मतलब ये ढोकले हैं तो ये थोड़े से आकार में बड़े होंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे गैस पे एक बर्तन और उसमें डालेंगे पानी। पानी को करेंगे गरम। लेकिन ढोकलों को पकाने के लिए हम लोग डायरेक्ट बेस जो होता है उसमें नहीं रखते हैं, तो उसमें हम कुछ बर्तन रखेंगे। जैसे मैंने कटोरी रखी है, आप इसकी जगह पे ढक्कन या फिर कोई प्लेट जो होती है वो रख सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरह कुछ जुगाड़ भी कर सकते हैं। उसके बाद इन ढोकलों को बारी बारी से एक के ऊपर एक आराम से जमा देंगे और इन्हें पकने देंगे हम लोग तेज आंच पे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद आंच को हम कर देंगे कम, मीडियम या फिर लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे हम लोग लगभग 1 घंटे तक। उसके साथ ही हम लोग लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। ढोकले हमेशा कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं, तो हम कढ़ी ढोकला बना रहे हैं, तो कढ़ी के लिए हमने तेल लिया कढ़ाई में। हमारे ढोकले पास में पक रहे हैं, इसी के साथ हम लोग इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कटी हुई, और हरी मिर्ची के बाद इसमें हम लोग राई डालेंगे, क्योंकि जीरा और धनिया जो है वो हमने ढोकलों में ले लिया था। नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया डाल के इस मसाले को पानी के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक हमारे कढ़ी और ढोकले बन रहे हैं, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फूड वीडियोज़ के लिए। सर्दियों के मौसम में हरे चने मिले थे तो मैंने वो भी डाल दिए कढ़ी में। उसके बाद बेसन में दही मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ही जिसमें कोई गांठ नहीं रहे, और इसे भी डाल देंगे हम लोग हमारी कढ़ाई में। तो ये इसमें पानी डालने के साथ हमारी कढ़ी पकने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ढोकले तो बन ही रहे हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप? वैसे ढोकलों को चेक करने का तरीका ये होता है कि इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है, पर अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि खुशबू कैसी होती है, तो आप एक ढोकला अलग से प्लेट में निकाल कर उसका एक बाइट टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ढोकले बने कि नहीं। इसके साथ कढ़ी तो हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार, और ढोकलों को बनने में टाइम लगता है तो वो अभी भी पक ही रहे हैं। इसमें हरा धनिया ऊपर से डालने के बाद हमारी कढ़ी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। 1 सवा घंटे के बाद ढोकले बन के तैयार हो गए हैं। हमने लिए इसे थाली में, इसे हम घी या फिर सरसों के तेल या तिली के तेल के साथ भी खा सकते हैं, पर मैंने को घी ही पसंद है तो मैंने घी के साथ खाना स्टार्ट किया इसे। पहले ठंडा करेंगे इनको, क्योंकि ये अभी अभी उतारे हैं मैंने गैस से तो गर्म है। ढोकले खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार, एकदम ही सिंपल जो विधि बताई मैंने, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल और कोई भी विधि हो सकती है ढोकलों को बनाने की।